सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म क्या है? आप तीर्थ जाते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही धर्म नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि हम तीर्थ कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम दूसरे और भी काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे वाले, तो ये धर्म है? सिर्फ यही धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, आपके द्वारा किसी को कष्ट न हो जाए, आपके द्वारा किसी का अहित न हो जाए। आप अपने लिए तो सोच रहे हो कि चलो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, हमने ये कर लिया, पूजा भी कर ली, ये भी कर ली, पर आपकी वजह से किसी और को परेशानी तो नहीं हो गई? इस बात का चिंतन जरूर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने जब आज बिहारी जी के लिए प्रसाद खरीदा और आपने बगल में देखा कि हम तो 1 kg ले रहे हैं और इसने 250 ग्राम लिया है, ऐसा तो नहीं आपके मन में भाव आ गया हो मैंने 1 kg लिया? बहुत सूक्ष्म बात कर रहा हूं मैं, बहुत सूक्ष्म। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सोच लिया हो हमने 1 kg लिया, खत्म? कहीं आपने ये तो विचार नहीं किया हमने माला बड़ी खरीदी? मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ये वही बात है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, और अगर इस पर ध्यान दे दिया गया तो तुम्हें गोविंद के दर्शन जाने की जरूरत नहीं है। गोविंद तुम्हें कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे और दर्शन दे जाएंगे, खुशबू दौड़ जाएगी पूरे शरीर में। बार बार अपने हाथ को स्पर्श करके सूंघोगे, कहोगे खुशबू आई कहां से, फिर ध्यान आएगा हाँ हाँ कोई सांवरा टकराया तो था। तब जीवन में अपने जीवन में ध्रुव को पैदा करो, अपने जीवन में ध्रुव पैदा कीजिए, स्वयं में पैदा कीजिए ध्रुव को। अगर प्राप्ति चाहिए तो हम सब प्राप्ति के लिए बैठे हैं। हमारी सब की एक ही चेष्टा है, प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, सब यही चाहते हैं। आप प्रेम से भर जाएं, आप सहजता से भर जाएं, आप मौन हो जाएं जिस दिन आपके गोविंद आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। बस वही ध्रुव पैदा कर लीजिए अपने अंदर, कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव के पास क्या था? भोला सा पन, बालक सा मन। हम क्या, हमारे साथ समस्या दूसरी हो गई है। हम अपने शरीर के हिसाब से व्यवहार करने लगे हैं। शरीर के हिसाब से व्यवहार करने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। शरीर के हिसाब से दुनिया से व्यवहार कीजिए, लेकिन भगवान से जब भी व्यवहार करने की और मिलने की बारी आए, बच्चा बन के कीजिए साहब, बालक बन के कीजिए। एक बालक का गुण क्या होता है? और अगर नहीं आता तो आसपास बालकों उनसे सीखिए, कोई बुराई नहीं है सीखने में। भगवान दत्तात्रेय जी ने तो ये बताया, बालक से भी सीखा ना भोलापन, हम क्यों नहीं सीख सकते? हम इतने जटिल क्यों हो गए? और जब तक ये जटिलताएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हमें वो प्राप्ति भी नहीं हो सकती, ये संभव मान के चलिएगा।